जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आता है तो हमें ज़्यादातर पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की याद आते हैं, लेकिन 2015 में हमारे भारतीय सेना ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया था जो पूरे दुनिया को चौंका दिया था। भारतीय सेना ने NSCNK के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किए थे जिसमें 38 नागा मिलिटेंट्स यानी नागा उग्रवादी मारे गए थे और कई घायल हुए थे। NSCNK यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये ग्रुप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सक्रिय है। ये जंगल में हमला करने में माहिर होते हैं। 4 जून 2015 मणिपुर के चंदल जिले में इंडियन आर्मी के डोगरा रेजिमेंट के कुछ जवान के दल रूटीन चेकअप के लिए गए थे। तब अचानक उनके ट्रक IEDs और रॉकेट से ब्लास्ट किया गया और फिर चारों तरफ से उन पर गोलीबारी हुई। ये हमला पैरालोंग और चारोंग गांव के बीच हुआ था जो NSCNK द्वारा किया गया था। इस हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। बस भारत ने बदला लेने का ठान लिया। 7 जून को हमारे PM के तरफ से क्लियरेंस मिल गया। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन हॉट पार्स्यूट। इस ऑपरेशन के लिए 70 पारा कमांडर्स को चुना गया। असल्ट राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स और नाइट विजन गगल्स उनको दिया गया। 9 जून 2015 सुबह 3 बजे सारे कमांडर्स को हेलीकॉप्टर से म्यांमार बॉर्डर पर उतारा गया। वहाँ पे वो दो ग्रुप्स में बढ़ गए। वो जंगल में लगभग 5 किलोमीटर तक चल कर गए। एक ग्रुप का काम था सीधा हमला करना और दूसरा ग्रुप बाहर रहेगा ताकि कोई भी उग्रवादी बचकर भाग ना पाए। फिर शुरू हुआ हमला। लगभग 40 मिनट तक फायरिंग चलता रहा। 38 उग्रवादी मारे गए, कई घायल हुए, सारे कैंप्स को जला दिया गया। फिर MI-17 हेलीकॉप्टर से कमांडर्स को वहां से एयरलिफ्ट किया गया। तो ये था हमारे भारतीय सेना के बहादुरी का और एक मिसाल। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।